कई जगह पर छोटी छोटी नजासत लगी हुई है और कहीं भी एक भी जगह की पूरी मुकम्मल एक दिरहम या उससे ज़्यादा नहीं है, तो ये नजासत गलीजा में कपड़ा पाक समझा जाएगा या नापाक। तो अगर कहीं पर थोड़ी सी नजासत है, दूसरी जगह थोड़ी सी नजासत है और कहीं भी एक जगह दिरहम के बराबर नहीं बैठती, लेकिन अगर सबका मजमूए को इमेजिनेशन किया जाए यानी सबको मिक्स करा जाए और इमेजिन किया जाए तो एक दिरहम से अगर ज़्यादा बैठेगी तो फिर उस कपड़े पे ज़्यादा ही का हुक्म होगा, नजासत अगर दिरहम के बराबर बैठेगी तो बराबर का। तो जिस कपड़े पर जगह जगह ये जिस चादर पर जगह जगह नापाकी हो तो सब नापाकी मिलाकर अगर एक दिरहम के बराबर बैठ रही है तो वो नापाक है, फिर उसमें नमाज वाजिबुल अदा है। और जाहिर है कि अगर दूसरी सूरत है उससे ज़्यादा है तो फिर नमाज उससे ज़्यादा का हुक्म लगेगा। अब अपनी कज़ा उम्र नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।